सोमवार को अलीनगर स्थित दुर्गा मंदिर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर नगर निगम के पूर्व उपसभापति व दिलेजापुर के पार्षद जितेंद्र सैनी की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने रथ को आगे बढ़ाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले एक भारतीय समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिला व दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के यह प्रबल समर्थक थे तथा इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। वहीं नगर निगम के पूर्व उपसभापति व पार्षद जितेंद्र सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की याद में हर साल यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। धूमधाम से उनकी जयंती को हम लोग मनाते हैं। शोभा यात्रा अलीनगर से निकलकर बख्शीपुर, घंटाघर, मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, जाफरा बाजार होते हुए गंगेश पर आकर समाप्त होगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महापौर सीताराम जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य राहुल श्रीवास्तव, अनिल सैनी, राजेंद्र सैनी, राजेश सैनी, दुर्गेश सैनी, पंकज सैनी, विजय सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के पूर्व उपसभापति व दिलेजाग पूर्व के पार्षद जितेंद्र सैनी एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। Yeah.
जितेंद्र सैनी पार्षद लिजाकपुर और नगर निगम के पूर्व सभापति। ये महान समाज सुधारक अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले महाराज जी, जो पिछड़े अनुसूचित वर्ग लोग बड़ी उनका शोषण था इस समाज में, आगे बढ़ने देते उच्च लोग, उस समय इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी फूल का व्यवसाय करते थे, महाराज जी उसमें पूना के राजा गायकवाड़ के फूल का काम देते थे और उनके बच्चे वहीं पढ़े लिखे बड़े हुए और उनके महात्मा ज्योतिबा फूले जब जन्म लिए थे बड़े शुरू से मेघावी थे, जब बाल्यकाल से इनका बहुत ही तेज बुद्धि थी। इन्होंने चिंतन किया, ये तो देख रहे हैं समाज का बड़ा शोषण बड़े लोग कर रहे हैं, इन्होंने उनके पहला नेता महाराष्ट्र में देश में पहला मजदूरों के नेता बने, अब उन्होंने कमेटी गठन किया और उसके स्वयं अध्यक्ष होके इन्होंने उस जो जिनका शोषण होता समाज में नौकरी करते थे लोग उनका इन्होंने समाज सुधार किए, उनका पेट तैयार किए और इनके आंदोलन के लिए लड़े बड़े लोगों से ताकि इनका शोषण न हो। और अपनी पढ़ी लिखी अनपढ़ी महिला सावित्री फुले को अपने पति को इन्होंने पढ़ा के लिखा के उसको शिक्षित किए और पहला महिला विद्यालय देश में खोलने का गौरव सावित्री फुले को प्राप्त है। और उसी समय से महिलाओं के प्रति इनके जो विधवा महिलाएं थी उनके उत्थान के बारे में, उनकी शादी नहीं होती थी, बड़ा विरोध होता था, मतलब महिलाओं के पिछड़ों के अनुसूचित के, ये समझिए कि पहले अग्रदूत थे, समाज सुधारक व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी जी ने अपने डिक्शनरी में लिखा है कि महात्मा शब्द जो मुझे मिला है वो नाम मुझे मिलना चाहिए, ये महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय किए, ये बहुत ही उस समय के जनक थे। ये जो रैली निकाली है किससे? उन्हीं की याद में हम लोग निकालते हैं, हमारे समाज से जुटे हैं उनके याद में, हर साल 300-350 साल से हम लोग 11 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं। रास्ते यहाँ से अलीनगर घंटाघर बक्सी घंटाघर बतरसा चौरा जाफरा बाजार लाल डिक्की होते हुए जाफरा बाजार से होते हुए गंगेज होते हुए हम लोग सिपला लाइन में सब भोज में सपा हो और भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में वो खत्म रात को। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रसिद्ध समाज सेवी तथा अपने समय में भी जो अशिक्षित थे बच्चों के ये शिक्षा का एक अथक प्रयास किया और पूरे समाज में उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया। आज पूरा भारत आदर के साथ उनको देखता है, स्वयं शिक्षित होकर के सबको शिक्षा देना, देश के लिए कार्य करना या सबको सीख देना 19वीं सदी का यह सबसे महत्वपूर्ण काम रहा जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था और उनकी धर्मपत्नी ने भी उनके साथ निभाते हुए किया।